नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो द्वारा जानने वाले हैं पति को वश में करने के टोटके। अपने पति को अपने वश में कैसे करें, अगर आप भी जानना चाहते हैं तो हमारी आज की वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। दोस्तों, जानने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही दिए गए बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई भी नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। हर एक पत्नी ये सोचती है कि उसका पति उसे बहुत सारा प्यार करे और उसकी देखभाल ठीक से करे। सभी औरत अपने पति से बहुत प्यार करती रहती है, करती भी है, और वह भी अपने पति से प्यार के बदले प्यार ही पाना चाहती हैं। लेकिन कई बार पति की रुचि अपनी पत्नी में कम होने लग जाती है। वह उससे पहले जैसा प्यार नहीं करता और वह अपने पति को अपना पत्नी को अपना समय नहीं दे पाता। यह पति का किसी दूसरी औरत के साथ चक्कर भी हो सकता है। अगर आपको भी ऐसा लगता है तो अपने पति को वश में करने के लिए आप उपाय कर सकते हैं। लेकिन उसका पति वश में नहीं हो पाता और न ही उसकी कोई बात मानता है, जिससे कि पत्नी काफ़ी परेशान हो जाती है, निराश होने लगती है वो। तो आप ऐसा आसानी से कर सकती हैं, आप कुछ प्रभावशाली वशीकरण मंत्रों टोटकों से अपने पति को अपने वश में कर सकती हैं, अधिक प्यार पाने के लिए मजबूर कर सकती हैं। पति को वश में करने के लिए यह प्रयोग टोटका प्रयोग में लाया जाता है। अगर आप अपने पति को सच्चे जीवन साथी के रूप में देखना चाहती हैं तो आप उसे वशीकरण के द्वारा अपना बना सकती हैं उम्र भर के लिए। तो लिखे मंत्र का प्रयोग करें, ओम काम देवाय, ये आपको सारा मंत्र दिखाई दे रहा है। 11 दिनों के लिए नियमित रूप से आधी रात में आपको इस मंत्र का प्रयोग करना है। 108 बार जाप करना है। अब अपने पति को आपको चाहने के लिए मजबूर कर सकती हैं। इस मंत्र को पश्चिम दिशा में बैठकर 100 बार पढ़ना है। आपको ऐसा करने से यह मंत्र सिद्ध हो जाता है। यह मंत्र केवल सुबह के समय सूर्य उठता है तभी पढ़ें। ध्यान रहे, इस मंत्र को पढ़ने से पहले नहा धोकर साफ कपड़े जरूर पहने आप, तभी यह मंत्र टोटका काफ़ी काम करता है। इस मंत्र का उच्चारण बंद कमरे में एकांत में ही करें। आप इस मंत्र को पढ़ने से पहले पति का नाम लेकर शुरुआत करें। उसके बाद अगर आपको कहीं पर कोई दिक्कत परेशानी आई तो आप हमारे दिए गए नंबर पर हमारे एस्ट्रोलॉजर राजेश शास्त्री जी से संपर्क कर सकती हैं, सलाह मशवरा जरूर करें। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। जल्द मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। हमारी आज की वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने अभी तक लाइक सब्सक्राइब और शेयर नहीं भी किया वीडियो को तो जरूर कर लीजिए। धन्यवाद।